नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको पता होगा UP SSSC का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी आपकी 18 वीडियो, इसमें आपको जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पसंद है तो लाइक करना ना भूलिएगा, इसके लिंक को ज़्यादा शेयर कर दीजिए इससे और भी दोस्त का लाभ उठा सकें, और कमेंट ऑप्शन पर जरूर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इस चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली जो भी वीडियो मिलती है उसकी PDF मिल जाती है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो पहला ही पॉइंट है कि आपका संविधान का जो 52वां संशोधन हुआ था वो आपका संबंधित किससे है। तो आपका जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका दल बदल से संबंधित है, और ये आपका 1985 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि यदि किसी संसद सदस्य या विधानसभा का सदस्य दल बदल करता है या दल बदल द्वारा निकाल दिया जाता है तो जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, ठीक है, तो उससे संबंधित आपका दल बदल। अगला आपका प्रसिद्ध गीतकार सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता हमारा की रचना किसने की है। तो आपका जो प्रसिद्ध गीत है सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता हमारा वो आपका सर मोहम्मद इकबाल ने की है। ठीक है, अगला का पल्ली आंदोलन संबंधित है। तो आपका जो पल्ली आंदोलन है ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, अगला भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो आपको बता दूँ भारत कला भवन जो है आपका बनारस में स्थित है। अगला आपका प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। तो आपको बताऊँ प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, ये की गई थी आपकी 2002 में। ठीक है, 2002 में आपका प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, मतलब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, जैसे बोलते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगला अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। तो आपको बताऊँ अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है वो है आपका 13वां शिलालेख। ठीक है, 13वां शिलालेख है जो सबसे बड़ा शिलालेख है। और मतलब ये बता दूँ आपका अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें जो 8वें वर्ष में जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें इस शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। अगला ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो आपको बता दूँ ये जो सिक्किम राज्य है ना यहाँ पर आपका कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक है, अगला आपका जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, मतलब सेक्स रेशियो कितना है आपका लिंग अनुपात। तो वो है आपका 912। ठीक है, 912 मतलब कि है 1000 लड़कों पे 912 लड़कियां। ठीक है, अगला आपका सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो आपको बताऊँ सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के जो अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं आपका सुरकोटदा में मिलते हैं आपके सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष। अगला ग्रेनेडा स्थित है। तो आपका जो ग्रेनेडा है ये आपका स्थित है कैरिबियन सागर में। ठीक है, ग्रेनेडा जो है आपका कैरिबियन सागर में स्थित है। अगला आपका वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आपको पता ही होगा 19 जुलाई 1969 में आपका 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था आपका 15 अप्रैल 1980 में आपका फिर से आपका 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, अगला कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो आपको बताऊँ जो चेन्नई का ये बंदरगाह है ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अगला आपका महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है ये कहाँ है आपका। तो आपको बताऊँ जो महाद्वीप है द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका कथक। ठीक है, अगला आपका ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है। तो आपको बताऊँ ब्रिक्स में जो है आपका बांग्लादेश नहीं है, बाकी आपकी ब्रिक्स की फुल फॉर्म पता होगी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, बाकी आपका बांग्लादेश नहीं है। अगला किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है। तो आपको बता दूँ बलवंत राय मेहता समिति ने आपका त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है। ठीक है, अगला है आपका कि हृदय योजना का संबंध है। तो आपको बताऊँ हृदय योजना का जो संबंध है वो है आपका राष्ट्रीय विरासत विकास से। ठीक है, राष्ट्रीय विकासत विकास से। अगला निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो आपको पता होगा निम्न में सबसे हल्की गैस जो है वो आपकी हीलियम है। ठीक, अगला आपका बार्क कहाँ स्थित है। तो आपका है बार्क मतलब कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये आपका कहाँ स्थित, वो है आपका टॉम्बे मुंबई में। ठीक है, अगला इसरो का मुख्यालय स्थित है। तो आपको बताऊँ इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका बैंगलोर में है। ठीक है, बैंगलोर में है इसरो का मुख्यालय, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
अगला है आपका घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, जो आपके घाव होते हैं इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसके अध्ययन को बोलते हैं ट्रेमेटोलॉजी, ठीक है, ट्रेमेटोलॉजी बोलते हैं आपके घाव के अध्ययन को। अगला है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो आपका पीडियाट्रिक्स जो है आपका शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। अगला निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, तो आपको पता होगा किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, वो होती है आपकी विटामिन डी की कमी से, ठीक है, विटामिन डी की कमी जो कि सूर्य से सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है विटामिन डी। अगला निकट दृष्टि दोष संबंधित है, तो आपको पता होगा निकट दृष्टि दोष जो है वो आपका दूर की वस्तुएं जिसमें साफ दिखाई ना पड़ती हैं उसे आपका निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। और इसके निवारण के लिए मैं बता दूँ आपका अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला का एल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया है, तो आपको बताऊँ एल्फ्रेड नोबल ने जो है यहाँ पर डायनामाइट का आविष्कार किया है। अगला आपका इंसुलिन एक प्रकार का है, तो आपका इंसुलिन जो होता है वो आपका हार्मोन होता है, ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो वो मापी जाती है आपकी डेसीबल में, ठीक है, डेसीबल में आपका जो संगीत के यंत्र से ध्वनि निकलती है उसकी तीव्रता डेसीबल में मापते हैं। अगला मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो आपका जो मानव शरीर इसका जो रक्त बैंक क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है आपका पिलिया, ठीक है, पिलिया जो आपका मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आप बताओ निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो वो है आपका उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया है, आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। अगला सही वर्तनी क्या है, तो सही वर्तनी जो है उनका पष्टम, ठीक है, पष्टम है आपकी सही वर्तनी। अगला अध का विलोम होगा, जो आपका अध है इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा आपका ऊपरी, ठीक है, ऊपरी होगा आपका अध का विलोम। अगला कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो आपको बताऊँ बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है वीणा पाणी, तो आपका वीणा पाणी आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अगला कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताऊँ कौन सा शब्द है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, वो है आपका मातन मरीचा और आपकी पतंग, ये सब आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बाकी जो आपका केसरी है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन था आपका सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन हो गया शब्द है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर केसरी है जो आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला पवन का संधि विच्छेद होगा, पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, ठीक है, पो प्लस अन होगा आपका संधि विच्छेद। अगला कौन सा शब्द कर्मधार समास नहीं है, तो आपको बता दूँ कौन सा कर्म मतलब शब्द जो कर्मधार समास नहीं वो है आपका विद्याभ्यास, ठीक है। अगला कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बता दूँ कौन सा शब्द जो आँख का पर्यायवाची नहीं वो है आपका अतुल, ठीक है, अतुल जो आपका आँख का पर्यायवाची नहीं है। अगला आपका सुशिक्षित, अगला सुशिक्षित में उपसर्ग है, और मैं बता दूँ आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि आज आपको इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज चल रही इस वजह से आपको इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश भी साथ में मिलेगी, और आप बता दूँ आज की वीडियो में आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए गए, ठीक है, तो आपका यही क्वेश्चन है कि सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो आपको बता दूँ सुशिक्षित में जो आपका उपसर्ग है वो है आपका शु, ठीक है, शु है आपका सुशिक्षित में उपसर्ग। अगला चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको चंद्रमा का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपका सरोज, ठीक है, सरोज आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अगला आपका फूल का तत्सम है, तो आपका जो फूल का जो तत्सम है वो आपका पुष्प है जो आपका फूल का तत्सम है। अगला आपका कर्म का तद्भव शब्द बताइए, तो आपका कर्म का जो तद्भव शब्द है वो आपका काम है, ठीक है, काम है आपका कर्म का तद्भव शब्द। अगला कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताऊँ जो कमल का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका वारिद, ठीक है, जो आपका वारिद है आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला है आपका धारक में प्रत्यय बताइए, धारक में आपका प्रत्यय बताना है, तो आपको पता होगा प्रत्यय जो आपके शब्द के अंत में लगते हैं, तो इसमें धारक में क्या है प्रत्यय, आपका आग, ठीक है, आग है आपका धारक में प्रत्यय। अगला है वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की, यहाँ पर आपको डेड डैश में भरना कि सूखा पड़ने की आशंका है, ठीक है, वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की आशंका है। अगला अम्मी का तत्सम रूप होगा, तो आपको अम्मी का जो तत्सम, अम्मी का जो तत्सम रूप होगा वो होगा आपका अमृत, ठीक है, अम्मी का तत्सम होगा अमृत। अगला रूस में एक बार हुई थी, तो आपको बताओ रूस में क्या हुई थी आपकी एक बार क्रांति, ठीक है, इसमें आएगा क्रांति। अगला दूध जमने पर दही के रूप में डेड डेड हो जाता है, तो आपको बताओ दूध जमने पर दही के रूप में आपका परिणर्थ हो जाता है, ठीक है, परिणर्थ हो जाता है। अगला बेमेल को छाटिए, मतलब कि गलत शब्द है उसको छाटना है आपको,
तो वो है आपका चंद्रकांता, ठीक है। चंद्रकांता ये आपका अलग शब्द है, ठीक है, क्योंकि चंद्रकांता एक किसका उपन्यास, देवकी नंदन, देवकी नंदन खन्नी का उपन्यासकार, बाकी सेवा संदन, निर्मला, गोदान, ये सब आपके प्रेमचंद के उपन्यास है, इसलिए आपका चंद्रकांता अलग हो गया, ठीक है। अगला है आपका कि देखी सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणनिधि रोए में, कौन सा रस है, मतलब इतना आपका देखी सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणनिधि रोए में, इसमें आपका कौन सा रस है, तो वो है आपका करुण रस, ठीक है, करुण रस है आपका यहाँ पर, करुण रस, ठीक है। अगला स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपका स्वर संधि का जो उदाहरण है वो है आपका अन्वय, ठीक है, अन्वय आपका स्वर संधि का उदाहरण। अगला है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो आपका बता दूं जो गा है ना ये आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है, आपके शा 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 ये सब आपके ऊष्म व्यंजन, मतलब जिनसे स्पर्श में आपका जो है अंदर से हवा निकलती तो उसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो गा है वो आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक बस इतना ही, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, डाउन इसके लिंक को ज़्यादा शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर।